तो टॉर्च लाइट बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाइप 25 mm का पाइप लेना है, और ये मार्केट से आप 1 फीट खरीद के लाइए, और ख़रीद लाने के बाद 1 फीट इसको खरीद के लाना है, और उसके बाद में 6 इंच पाइप लेना है। 6 इंच पाइप लेके इसको काट के, अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से घिस के लेवल करिए सरफेस, और इसको पेंट करने के लिए आसानी देखिए 6 इंच पाइप इसको लिए। उसके बाद में एक LED बल्ब होता है ख़राब, उसको बल्ब का ये पीछे वाला ढक्कन जो ऊपर वाला हिस्सा लगा होता है इसको निकालना है। निकालने के बाद इसके अंदर ऐसे फिक्स करना, तो सबसे पहले जो इसके ऊपर जो एल्युमिनियम जो स्टील का जो कैप लगा हुआ है उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद इसको निकाल दीजिए, ये अच्छा आसानी से निकल जाएगा। चारों तरफ घुमाएंगे गर्म हो जाएगा हल्के से, उसके बाद में इसको किसी चीज़ कपड़े से पकड़ के खींचे, नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो इसको कपड़े से पकड़ के खींचोगे तो इसमें ये निकल जाएगा हल्का हल्का सा। जब इसमें लगा होता है तो इसमें नोक बना के इसको प्लास्टिक में दबा देते तो लग जाता है ये अच्छे से, तो इसको निकाल के साइड में कर देना। उसके बाद में प्लास्टिक पाइप में इसको अच्छे से मापना है, देखना है कि ये टाइट है कि लूज है। उसके बाद में इसका जो इसके ऊपर जो लेवल कंपनी वाले ने लगाया होता है इसके ऊपर, उसको घिस के सरफेस एकदम लेवल कर लेना है, जैसे कि ये सफ़ेद दिखे, या आप इसके ऊपर पेंट कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से घिस के इसके जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सब मिटा देना है कि जिससे अच्छा लगे देखने में। तो उसके बाद में ये देखिए, और उसके बाद में एक बल्ब एक स्विच, बल्ब जो है वो ब्राइट वाला LED तेज इसमें लाइट होती है वो है 4 वोल्ट का, और इसके बाद में जो बल्ब के अंदर जो हीटसिंग लगा होता है वो प्लेट को निकालना है। निकालने के बाद इसको, अभी तो मैंने इसको सरफेस एकदम लेवल नहीं किया है, तो आप इसको अच्छे से हथौड़े से पीट के सरफेस से लेवल कीजिए, और उसके जो बल्ब के अंदर वाला जो गोलाई का जो हिस्सा है तो उसके हिसाब से माप के इसका एक गोला बनाइए, उसके अंदर एल्युमिनियम को कटर से आप इसको काट के, उसके बाद में जो सैंड पेपर आता है घिस के अच्छे से घिस के इसके अंदर एकदम गोल कर दीजिए। गोल करने के बाद इसके अंदर जैसे फिक्स होकर अच्छे से बैठ जाए, और इसके बाद इसको कटर की सहायता से ये देखिए मार्कर से पेंसिल से इसको ऐसे गोल करेंगे, जिसमें ऐसे गोल इसके अंदर लगे प्रकार की सहायता और पेंसिल से आप मार्क लगाएं, लग जाएगा मार्कर या पेंसिल इसी के ऊपर चलता है, सही से पेन नहीं चलेगा। तो इसको अच्छे से कटर से बाबरी इसका साइड में अच्छे से काट के, और उसके बाद में सैंड पेपर से इसको अच्छे से घिस के एकदम गोल गोल कर लेना, जैसे कि वो जो बल्ब का जो प्लास्टिक का कैप है उसके अंदर बैठ जाए। और ये हमने ड्रिल ये एंगल ग्राइंडर बनाया था, इसी से हम घिसेंगे, क्योंकि वीडियो आपके चैनल में पड़ा हुआ, आप जाके इसको देख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद में ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं घिसना है, क्योंकि एंगल ग्राइंडर अगर आपके पास है तो उसको गर्म हो जाता है एल्युमिनियम, तो इसको आप सैंड पेपर से ऐसे घिस सकते हैं, क्योंकि उसमें गर्म नहीं होगा तो इसे जल्दी हो जाएगा। इसके लिए इसको ऐसे घिसा है, अभी देखिए इसके अंदर गोल घिसने के बाद इसको अच्छे से इसके अंदर फिक्स करके बैठाएंगे। उसके बाद में LED बल्ब सेंटर में रख के देखेंगे कि कहाँ पे आता है सेंटर, और उसके बाद में सेंटर का निशान को लगा के फिर बाहर निकालेंगे। उसके बाद में इसके दो लेग हैं माइनस प्लस, उसमें एक पेंसिल का छेद करेंगे, पेंसिल से निशान लगाएंगे और उसमें ड्रिल मशीन से छेद करेंगे। छेद करने के बाद उसमें जो दो लेग है उसको आर पार जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ हम इसके अंदर तार जोड़ेंगे। उसके अंदर तार जोड़ने के बाद उसमें टेप आपके पास है या तो जिस मोटर वर्निंग शॉप पे हमारे स्लिप होता है गर्म उसमें लगाया जाता है तार के अंदर, वो लेके आइए, तो आप ऐसे टेप लगा दीजिए, हो जाएगा। आपके पास जैसी व्यवस्था है आप उसको उसी हिसाब से करके लगाइए इसके अंदर। लगाने के बाद, क्योंकि एल्युमिनियम में अगर दो माइनस प्लस टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इसके लिए इसके अंदर लगा रहा हमारे पास स्लिप था। अगर आपके पास टेप है तो टेप लगा दीजिए, नहीं तो कुछ प्लास्टिक का लगा दीजिए जिसमें करंट आपस में टच ना हो माइनस प्लस। और इसको अच्छे से लगाने के बाद में इसको ऐसे नीचे ढकेल देंगे छेद के अंदर से, और इसके सेंटर में लग जाएगा। और उसके बाद अब लेते हैं LFP का एक बूंद, उसके अंदर डाल के चिपका देंगे। अब देखिए कैसा ग्लो कर रहा है बल्ब। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए, अभी देखिए ग्लो कर लें, तो अभी तो सेल चार्ज करने के लिए भी लगाना पड़ेगा उसके अंदर। तो 5 वोल्ट आप चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, और एक बूंद इसमें LFP लगा देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएगा। और उसके बाद जो उसके अंदर प्लास्टिक का जो ये है बल्ब, उसके अंदर इसमें लगा देंगे अच्छे से, और इसके अंदर भी LFP एक बूंद हैवी क्विक इसमें चुवाएंगे तो अच्छे से वो चिपक जाएगा। तो देखिए ये ऐसे बन के तैयार हो। अब हैवी क्विक चुवाएंगे, दो बूंद चिपका दीजिए जिसे चिपक जाए, हिले नहीं अंदर। और उसके बाद इसको तार इसके अंदर माइनस प्लस रेड वाले निकालेंगे। अब पाइप के अंदर एक स्विच लेंगे, आपके पास जैसा स्विच हो उस हिसाब से स्विच लगाइए। ये ऑन ऑफ वाला स्विच है, एक बार पुश करेंगे तो दब जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ऊपर उठाएंगे तो उठ जाएगा।
तो इसमें पहले मार करेंगे। मार करने के बाद इसके 100 मिलेट के अंदर इसको साइड काट के और उसके बाद में पेचकस से आप ठोक के इसके अंदर छेद बना के इसमें लगा दीजिए। 100 मिलेट से दोनों साइड काटना है और उसके बाद मुझे दूसरा वाला साइड बचा हमारे पास काटने के लिए। ड्रिल मशीन के अंदर एक बीट बनाया था उसको काटने के लिए लगाया था इसको साइड में काटने के लिए, हमने उससे काटा है। आपके पास जैसी व्यवस्था आप चाहे कैया गरमा के इसमें काट दीजिए, कट जाएगा। उसके बाद में इसमें तार डाल के और उसके बाद में जो स्विच है स्विच के अंदर माइनस प्लस वाला ही तार काट के इसमें लगाया, क्योंकि प्लस वाले में माइनस प्लस में एक तार को ही काट के लगाया, लेकिन हमने प्लस वाला काट के लगाया है। तो आप इसको प्लस वाला तार काट के लगा दीजिए इसके अंदर और दो एक इस साइड और एक उस साइड सिरे में लगा दीजिए। उसके बाद में जो स्विच है अच्छे से आप इसके अंदर दबा के और जब ये लेवल हो जाए अच्छे से, ये देखिए एकदम सख्त काटा हुआ है, इसमें जो गैप जरा भी नहीं है, और हाथ से इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद में एक बोन इस कोने चुवाइए, एक बोन उस कोने चुवाइए। अगर मान लो कुछ दिन के बाद अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में अब जो बल्ब है, बल्ब का जो प्लास्टिक इसके अंदर घिस के लगा देंगे अच्छे से, ये फिक्स हो जाए। उसके बाद में इनफिक दो बूंद एकदम गोल गोलाई से लगा देंगे जो ये उखड़े नहीं। और उसके बाद में सेल, जो सेल हमने लिया था वो सेल अब इसके पीछे लगाना है। अब इसकी गोलाई पीछे इसमें एक गोल रिंग बना के इसमें लगाना है कि जिसमें चार्जिंग का जो सॉकेट है वो इसी में लगाना है, पिन बोलते हैं जिसको, वो लगाना है। तो इसके अंदर ये जितना होता है प्लास्टिक का जो पीवीसी शीट होता है उसको सीधा करके ले लीजिए। उसके बाद में एक गोला बनाइए और गोला बनाने के बाद में आपके पास कटर है तो कटर से काट दीजिए, नहीं तो कैंची है तो कैंची से काट दीजिए। कैंची से काटने के बाद आपके पास सैंड पेपर होगा, उसी से आप इसको अच्छे से घिस के एकदम गोल बनाइए। गोल बनाने के बाद इसके अंदर ये वाला जो 5 वोल्ट का जो ये सॉकेट आता है चार्जिंग का, ये मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से साइड लेफ़्ट या राइट में प्लस है या राइट में प्लस, और मीटर की सहायता से इसको चेक करेंगे क्योंकि इसमें बना नहीं है। अब आपके में अगर लेके आएंगे तो उसमें तार अगर निकला होगा तो उसमें बना होगा, हमारे में नहीं बना, तो इसे हम इसको पता लगाएंगे। और उसके बाद में एक LED बल्ब लेंगे 1.5 वोल्ट का, उसके अंदर रजिस्टर लगाएंगे 1K का। और उसके बाद में लगाने के बाद इसको तार जोड़ने के बाद उसके अंदर एक स्लिप डाल देंगे जो आपस में तार टच ना हो। अब इसको चार्जिंग सेल कैसे करेंगे उसको हम बना रहे हैं इस टाइम, तो इसके अंदर स्लिप डाल देंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये एक तार आपस में टच नहीं होगा। तो इसके बाद में एक डायोड लेंगे N407 और उसके बाद में जिसका जो माइनस वाला साइड है उसको उस जो दूसरा वाला जो बल्ब का लेग है उसके अंदर हम लगाएंगे। और इसके अंदर जो माइनस प्लस का हमने जो मीटर से चेक किया था उसमें मार्क कर लेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, भूल ना जाए उल्टा कनेक्शन ना हो जाए। तो इसको अंदर एक इसको ऐसे करके रख देंगे। और उसके बाद अब इसका जो माइनस वाला लेग जिसमें एक LED बल्ब और ये डायोड लगा हुआ है उसको इसी में लगाएंगे, प्लस इसमें से करंट जाएगा उसमें से माइनस और उसके बाद में उस वाले साइड में प्लस हो जाएगा। तो जो सेल चार्ज करने का जो तार हम जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे उस वाले साइड में जिसमें माइनस है और एक जोड़ेंगे तार ये जो डायोड लगा हुआ है इसके प्लस वाले अगले हिस्से में जोड़ेंगे। ये देखिए सर्किट बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर एक जो हमने गोल सर्कल काटा था उसके अंदर गोल छेद करके इसको जो चार्जिंग सॉकेट है जो मोबाइल का वो इसमें फिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से एकदम गोल टाइट हो जाए। फिक्स करने के बाद उसमें एक छोटा सा सुराख कर देंगे ड्रिल मशीन से, जिसमें अगर हम चार्जिंग लगाते हैं तो उसमें लाइट अच्छे से ब्लिंग हो, हमें पता चले कि हाँ सेल चार्ज हो रहा है। अब ये देखिए लिथियम आयरन बैटरी है, ये आपको ख़राब लैपटॉप की जो बैटरी होती है उसी में से निकाला गया है ये। तो इसमें माइनस प्लस का दो तार जोड़ेंगे और उसके बाद में बीच में एक टेप लगा देंगे जो तार टूटे नहीं, अच्छे से चिपका रहे इसके अंदर। और उसके बाद में जो प्लस वाला तार है डायबोर्ड के ऊपर एक तार जोड़ेंगे इसके अंदर, और जो दूसरा वाला माइनस है वो माइनस में लगा देंगे। तो देखिए ऐसा रख के अब इसके अंदर अच्छे से सोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा कैमरा इस टाइम ब्लर हो गया, तो ये फुटेज उसी टाइम का है तो हमने देखा नहीं था रिकॉर्डिंग करने का टाइम। तो आप इसे काम चला लीजिए, हम अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। ये देखिए ऐसा एक प्लस में जोड़ना है एक माइनस में जोड़ना है, जो इसमें जो निशान लगाया था एक उसमें प्लस में जोड़ना है एक माइनस में जोड़ना है। ये देखिए अब चार्जिंग जो 5 वोल्ट का जो आपके घर में जो मोबाइल चार्जर है इसको लगाएंगे, ये देखिए चार्ज हो रहा है, ये चार्ज करने के लिए ये चार्ज हो रहा है इसी टाइम। अब जो ये सेल कंप्लीट हो गया है ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। अब इसमें कहीं से कोई करंट नहीं दे रहा है इसके अंदर,
और ना उसका सर्किट उसमें लगा हुआ है, ये रियल है। और इसके बाद में ये देखिए चार्ज हो रहा है अच्छे से, ये चार्ज होने का सिंबल दिखा रहा है। जैसे चार्जर निकालेंगे ये लाइट बुझ जाएगी। अब ये आप ना समझिए कि चार्जर से उसका कनेक्शन उसको डायरेक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको चार्जिंग लगाया बनाया गया है। अब इसके अंदर माइनस प्लस पर जो तार है एक स्विच से होके आया है और एक ऐसा डायरेक्ट आया है। अब इसमें माइनस प्लस जो तार है उसके अंदर अब सेल के अंदर इसको अच्छे से लगाएंगे, एक प्लस में प्लस जोड़ देंगे, एक माइनस में जोड़ देंगे। बैटरी आपको सिर्फ एक या डेढ़ घंटे ही चार्ज करना है टाइम देख के, जैसे कि आप लगा दीजिए और उसके बाद में चार्ज होता रहेगा इस। और चार्ज होने के बाद इसको आप चलाइए आराम से, आपको शाम को कहीं जाना है, कहीं अंधेरे में कुछ करना है, घर में यूज़ करना है, अभी घर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वो देखिए स्विच ऑन है इसलिए जल रहा है वो, अभी इसको ऐसे लगाएंगे स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये जलेगा। आपको एक से एक या डेढ़ घंटे चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद ये देखिए ये डेमो आपको हम लाइट में अंधेरे में दिखा रहे हैं, ये देखिए फोकस इतना है और ये देखिए दीवार पे देखिए इतना तेज़ हो रहा है। और ये देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।